अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में वापस से स्वागत है। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक करने से मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। मेरी पेड सर्विस के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। गोल्ड 1748 तक गया था, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, 1724 के आसपास चल रहा है। नियरली $24 आप देखो तो ऑलरेडी अपने हाई से नीचे आ चुका है। कल एक बहुत ही अच्छी बाइंग आई थी इसमें, इनफैक्ट 1680 के बाद से एक अच्छी बाइंग चल रही है गोल्ड में और अभी भी चल ही रही है। अभी थोड़ा नीचे आपको जरूर लग रहा है गोल्ड, $1.5 तकरीबन, $1.5 से $2, बट ओवरऑल अभी भी मार्केट पॉजिटिव जोन में ही है। आज का सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। आज का गोल्ड का सपोर्ट है $1708, गोल्ड का रेजिस्टेंस है $1736। 1736 ब्रेक करता है मार्केट तो वापस से 1749 और 1780 तक जा सकता है। 1708 के नीचे मार्केट 1700 और 1690 टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। अभी भी गोल्ड पॉजिटिव जोन में है तो अवॉइड कीजिएगा सेलिंग करना। 1708 के नीचे सस्टेन करता है तो एक अच्छी सेलिंग बन सकती है, बट स्टॉप लॉस थोड़ा वाइड रहेगा। अगर मार्केट टूटता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सपोर्ट रेजिस्टेंस अपडेट करता ही रहता हूँ, आप उस पर नज़र रखें। चलिए सिल्वर देखते हैं। सिल्वर गोल्ड को थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है बिकॉज थोड़ा सा डाउ जोन्स ऊपर था तो जिसकी वजह से उसमें और बाइंग आई सिल्वर में। इंडस्ट्रियल मेटल है ये, प्रेशियस मेटल होने के साथ साथ जिसकी वजह से जब स्टॉक मार्केट ऊपर गया तो ये भी थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। अभी 1568 पे अटका पड़ा है। आज का सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। आज का सिल्वर का सपोर्ट है 1742 का, 1540 का। सिल्वर का रेजिस्टेंस है आज का 1592 का। 1540 ब्रेक करता है मार्केट तो $15 और 1450 तक जा सकता है। 1592 के ऊपर मार्केट 1650 और $17 भी जा सकता है। फिलहाल गोल्ड और सिल्वर दोनों पॉजिटिव जोन में है, अवॉइड कीजिएगा सेलिंग करना जब तक सपोर्ट इंटैक्ट है। सपोर्ट अगर तोड़ते हैं और मार्केट नीचे सस्टेन करती है तो सेलिंग का सोच सकते हैं। चलिए क्रूड ऑयल को देख लेते हैं। यह है क्रूड ऑयल का चार्ट। मार्च में चाइना ने ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया जनवरी और फरवरी के मुकाबले, और जैसे कि मैंने आपको न्यूज़ के बारे में भी बताया था कि 10 मिलियन नहीं 20 मिलियन आउटपुट कट होने वाला है। उसके बावजूद क्रूड ऑयल में कोई बाइंग नहीं आ रही है। कल भी 10% के आसपास ये क्रैश हुआ था। अभी थोड़ा स्टेबल चल रहा है, नियरली 1.5 से 2% ऊपर जरूर चल रहा है, बट वही है क्रूड ऑयल में थोड़ा सा भी बाइंग नहीं आ रहा है डिस्पाइट वेरी गुड न्यूज। आज का सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। ट्रेंड सबको पता ही है, आज का रेजिस्टेंस है 2180 का। क्रूड ऑयल का सपोर्ट है 1950 का। 1950 से नीचे निकलता है मार्केट और सस्टेन करता है तो $18 और $17 जा सकता है। 2180 के ऊपर जब मार्केट निकलेगा और सस्टेन करेगा तो $23 और $24 तक जा सकता है। क्रूड ऑयल का ट्रेंड वीक है, अवॉइड कीजिएगा बाइंग करना जब तक 2180 ब्रेक नहीं होता है। चलिए यूरो देखते हैं। कल रात यूरो में अच्छी बाइंग आई बिकॉज डॉलर इंडेक्स वीक हो रहा था जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर को भी मदद मिल रही थी और यूरो को भी मदद मिल रही थी। अभी 974 पे चल रहा है। आज का रेजिस्टेंस इसका कल का हाई का है।
सॉरी, शायद मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर थोड़ा सा प्रॉब्लम किया। 99 का रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है आज का 50 का। 950 के नीचे निकलता है यूरो तो 900 तक जा सकता है। 99 के ऊपर 50-60 पिप्स और बाइंग आ सकती है। यूरो का ट्रेंड पॉजिटिव है, अवॉइड कीजिएगा सेलिंग करना जब तक 950 और 45 के आसपास ब्रेक नहीं करता है। चलिए एमसीएक्स के लेवल देख लेते हैं फटाफट। एमसीएक्स में सबसे पहले गोल्ड के लेवल देखेंगे, 46,730 चल रहा है। एमसीएक्स में गोल्ड का सपोर्ट है आज का 46,200। गोल्ड का रेजिस्टेंस है आज का 46,930। MCX सिल्वर का सपोर्ट है आज का 43,800। सिल्वर का रेजिस्टेंस थोड़ा सा वाइड है 45,610। क्रूड ऑयल का आज का सपोर्ट है 1420। क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस है आज का 1740। मेरी पेड सर्विस के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ही दे रखा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अब कल वापस अपडेट दूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।